दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा को भारतीय टीम के इस वर्ल्ड कप का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के लिए इंग्लैंड के दिग्गजों ने की सनसनी मचा देने वाली भविष्यवाणी। इस टीम को विजेता बताकर पूरे क्रिकेट जगत को किया हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाने वाला है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया। इस बीच केविन पीटरसन, माइकल वॉन से लेकर बेन स्टोक, नासिर हुसैन ने भविष्यवाणी करते हुए एक ऐसी टीम को जीत का प्रबल दावेदार घोषित किया, जिसका नाम सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के लिए भविष्यवाणी करते हुए इंग्लैंड के दिग्गजों ने किसको चैंपियन घोषित किया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम वर्ल्ड कप की चैंपियन बनेगी, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 नवम्बर को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मैच होगा। आपको बता दें, 2003 के बाद ये दोनों टीमें 20 सालों के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड कप के फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। आपको बता दें, इस वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम ने पहले भी ओपनिंग मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था, और ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ भारतीय टीम एक बार फिर से मैच खेलने के लिए फाइनल मैच में उतर रही है। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के दिग्गजों ने भविष्यवाणी कर पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया, जिसमें माइकल वॉर्न ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाने वाला है, जो कि अब तक के इतिहास का सबसे रोमांचक फाइनल मैच होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप की सबसे मजबूत टीम रही हैं, जिसके चलते दोनों ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। दरअसल भारतीय टीम वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी यूनिट के साथ गेंदबाजी यूनिट भी है, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बेहतरीन ऑलराउंडर यूनिट के साथ मैदान पर उतरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि भारत को चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत का फॉर्म शानदार है। तो वहीं नासिर हुसैन ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच वास्तविकता में रोमांचक अंदाज से खेला जाने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अंतिम समय तक अच्छा प्रदर्शन करना जानते हैं, और ऐसे में मैच में अंतिम समय तक रोमांच रहने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में मेरे अनुसार भारतीय टीम ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, और इसी बेहतरीन प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन अगर रोहित शर्मा शुरू से तूफानी बल्लेबाजी नहीं कर पाए तो भारतीय टीम दिक्कतों में आ सकती है, लेकिन मेरे अनुसार तो भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ चैंपियन बनती दिखाई दे रही है। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और वन साइड मैच को जीता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी मैच को काफी ज्यादा रोमांचक बना दिया और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी थी। ऐसे में अब मुझे लग रहा है कि दोनों के बीच एक बार फिर से मैच रोमांचक होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप के अब फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम और भी ज्यादा मजबूत होकर मैदान पर आई है, ऐसे में अब भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बनकर ही रहेगी। तो वहीं बेन स्टोक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में ही कर दिया था, और ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में कमजोर समझना दुश्मनों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब भारतीय टीम को फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के ओपनिंग के 2 मैच हारने के बाद फॉर्म में वापस आई है और लगातार जीत के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे में अब मुझे लगता है कि एक बार फिर से भारतीय टीम का अच्छा प्रदर्शन रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया तैयार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोमांचक अंदाज से जीत मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।